नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं अपर्णा मौजम। एमपी अब तक की शुरुआत कर रहे हैं राजगढ़ से मिल रही बड़ी खबर के साथ, जहां बोरवेल में 5 साल की मासूम के गिरने की खबर है। पिपलिया रसोड़ा में बोरवेल में गिरी बच्ची, मौके पर रेस्क्यू टीम रवाना हो चुकी है। बोड़ा थाना इलाके की घटना है, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पिपलिया रसोड़ा में यह हादसा हुआ, जहां एक मासूम बच्ची बोरवेल में जा गिरी। बच्ची की उम्र 5 साल बताई जा रही है और रेस्क्यू टीम मौके के लिए रवाना हो चुकी है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं राजगढ़ से, जहां पिपलिया रसोड़ा में बोरवेल में 5 साल की बच्ची के गिरने की खबर है। तस्वीरें भी आप उस जगह की देख रहे हैं जहां ये हादसा हुआ है, जहां एक बच्ची इस बोरवेल में जा गिरी। मौके पर बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हो गए, रेस्क्यू टीम को बुलाया गया है और ये घटना है बोड़ा थाना इलाके की, जहां पिपलिया रसोड़ा में ये मासूम बच्ची बोरवेल में जा गिरी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ये ब्रेकिंग न्यूज राजगढ़ से, जहां बोड़ा थाना इलाके में पिपलिया रसोड़ा में ये बच्ची के बोरवेल में गिरने की खबर है। बच्ची की उम्र 5 साल बताई जा रही है। मौके पर रेस्क्यू टीम मौके के लिए रवाना कर दी गई है और जैसे ही टीम पहुंचेगी रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया जाएगा। लेकिन उससे पहले बड़ी संख्या में स्थानीय लोग इकट्ठा हो गए हैं, लगातार इस मामले में मदद मांगी जा रही है। राजगढ़ से ये खबर आपको बता रहे हैं, जहां एक 5 साल के मासूम के बोरवेल में गिरने की खबर है। तो 5 साल की एक मासूम बोरवेल में जा गिरी, ये हादसा हुआ है बोड़ा थाना इलाके में। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ये मामला बोरवेल में 5 साल की मासूम के गिरने का है। राजगढ़ से ये बड़ी खबर, जहां पिपलिया रसोड़ा में एक बच्ची बोरवेल में जा गिरी। बच्ची की उम्र 5 साल बताई जा रही है और मौके के लिए जैसे ही इस घटना की जानकारी मिली वैसे ही रेस्क्यू टीम को मौके के लिए रवाना कर दिया गया है। पूरी अपडेट अपने सहयोगी से हम लेंगे, जो इस पूरे मामले को लेकर नजर बनाए हुए हैं, किस तरह से बच्ची यहां गिर गई है बोरवेल में और अभी फिलहाल क्या स्थिति है, क्या स्टेटस है रेस्क्यू ऑपरेशन टीम का, ये भी हम जानेंगे। शैलेंद्र भदौरिया हमारे सहयोगी जुड़ गए हमारे साथ। शैलेंद्र, क्या जानकारी है आपके पास? देखिए बिल्कुल, ये पूरा मामला पिपलिया रसोड़ा गांव का है और ये बताया जा रहा है कि ये परिवार के साथ बच्ची अपने खेत पर बने कुएं के पास ही वहां पर मौजूद थी। और चूंकि देखिए खेती किसानी का काम चल रहा है, परिवार जो है वो किसानी के काम के लिए वहां पर गए थे और उसी दौरान खेलते खेलते ये मासूम जो है 5 साल जिसकी उम्र बताई जा रही है बोरवेल में गिर गई है। जैसे ही बोरवेल में गिरी लोगों ने उसको बाहर निकालने का प्रयास भी किया, लेकिन चूंकि बोरवेल जो है काफी गहरा बताया जा रहा है, हालांकि अभी अनुमानित नहीं है कि कितना गहरा, लेकिन बताया जा रहा है काफी गहरा है और जिसके चलते उसको नहीं निकाल पाए। लेकिन जो रेस्क्यू टीम है उसको तत्काल प्रभाव से यहां राजगढ़ से भेजा गया। इसके अलावा भोपाल से भी जो टीम है, जब राजगढ़ की टीम वहां पहुंचेगी और मौके पर जब वो देखेगी कि आखिर किस तरह की स्थिति वहां बन रही है, उसके बाद भोपाल से भी एक टीम भेजी जाएगी। देखिए क्योंकि ये बहुत जरूरी हो जाता है कि सबसे पहले वहां पर रेस्क्यू टीम पहुंचे। देखिए पिछले दिनों जिस तरीके से हमने देखा कि लटेरी में एक बच्चा जो है वो बोरवेल में गिरा था और उसके बाद स्थानीय स्तर पर उसको बाहर निकालने के लिए रस्सी या फिर कहें कि साड़ी जो है डाली गई थी, उसको खींचने का प्रयास किया गया था। ऐसे में वो रस्सी जब टूट गई थी तो बच्चा और गहरी स्थिति में चला गया था। तो ऐसे में अभी उनको निर्देश दिए गए हैं कि केवल नजर बनाए रखें, किसी तरह से कोई निकालने का प्रयास ना करे, क्योंकि जब तक एक्सपर्ट की टीम वहां नहीं पहुंचती है तब तक बच्ची को निकालने का कोई प्रयास ना किया जाए। तो फिलहाल जो है वो इंतजार किया जा रहा है रेस्क्यू टीम पहुंचने की। जिले से जो टीम रवाना हुई है वो जल्द से जल्द उस गांव में पहुंचने की संभावना जो है बताई जा रही है कि जल्द से जल्द वहां पहुंचेगी और उसके बाद ये रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया जाएगा। अभी प्रारंभिक जानकारी के अनुसार जो है वो अपने परिवारजनों के साथ ही खेत पर गई थी और उसी दौरान इस हादसे का वो शिकार हो गई है। जी शैलेंद्र, शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। तस्वीरें दर्शकों को यहां पर दिखा रहे हैं। शैलेंद्र आप बने रहिए हमारे साथ और आपसे जानेंगे इस पूरे मामले को लेकर जानकारी। फिलहाल तस्वीरें यहां पर दर्शकों को मैं दिखा रही हूं कि किस तरीके से ये पहली तस्वीरें ये हम दर्शकों को दिखा रहे हैं, किस तरह से इस बोरवेल में जा गिरी है 5 साल की बच्ची और ये हादसा हुआ। लोकल स्तर पर लोगों ने उसकी मदद करने की कोशिश की, लेकिन ऐसे में रस्सी बीच में ही टूट गई और बच्ची और गहरी जगह पर जाकर फंस गई है।
रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए टीमें रवाना कर दी गई हैं। शैलेंद्र हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, उनसे जानकारी हम हासिल कर रहे हैं। शैलेंद्र जरा बताएं। और देखिए बिल्कुल, जिस तरीके से लगातार हमने देखा कि जब भी कोई घटनाक्रम होता है उसके बाद लगातार ये निर्देश जारी किए जाते हैं सभी कलेक्टरों को, इस तरह के बोरवेल खोले ना छोड़े, लेकिन उसके बावजूद भी इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति जब बार बार होती है तो समझ में आता है कि किस तरीके से लापरवाही जो है वो ग्रामीण स्तर पर बढ़ती जा रही है। और देखिये सबसे बड़ी खास बात एक बात और अपना जो अक्सर देखने में आती है कि जब भी इस तरह का कोई घटनाक्रम आता है पता चलता है अपने ही खेत में बने बोरवेल में जो बच्चे गिर जाते हैं, तो ये अपने आप में बड़ा चिंतनीय विषय। हालांकि इस मामले को लेकर जो टीमें हैं वो अब रवाना की गई हैं स्थानीय स्तर पर, जो वहां पर जो राजगढ़ से वहां पर अब बच्ची का रेस्क्यू का काम शुरू किया जाएगा जल्द ही। और ये सबसे बड़ी बात अब ये देखने वाली बात होगी कि बच्ची कितनी गहराई पर फंसी हुई है, क्योंकि अभी इसका आकलन नहीं हो पाया कि आखिर कितनी गहराई पर बच्ची फंसी हुई है। और बोरवेल जो है वो बताया जा रहा है कि काफी दिनों से बंद भी पड़ा हुआ था और ऐसे में उस बच्ची गिरी है। तो फिलहाल अभी जो स्थानीय ग्रामीण है केवल बोरवेल पर नजर बनाए हुए है कि किसी तरह की कोई मिट्टी आदि उसमें ना जाए, क्योंकि बच्ची से बात करने का प्रयास भी जो है वो किया जाएगा और सीसीटीवी के माध्यम से उसकी लोकेशन जो है वो ट्रेस की जाएगी सबसे पहले कि आखिर कितनी किस हाइट पर जो है वो फंसी हुई है, और उसके बाद जो है वो रेस्क्यू शुरू किया जाएगा। जी, गहराई की कोई जानकारी कितना गहरा है ये बोरवेल? देखिए अभी तक इस बारे में किसी तरह की कोई जानकारी सामने नहीं है, ये बताया जा रहा है 140 से 150 फीट के लगभग इसकी गहराई है, लेकिन बच्ची किस लेवल पर फंसी हुई है इस बात का अभी किसी को कोई जानकारी नहीं। जब तक एक्सपर्ट्स की टीम नहीं पहुंचेगी, सीसीटीवी जब उसमें डाला जाएगा या फिर जो दूसरे अन्य उपकरण है उनके माध्यम से उसकी गहराई का पता लगाया जाएगा आखिर कितनी ये गहराई और कितनी गहराई पर जाकर बच्ची फंसी है। सबसे महत्वपूर्ण तो यही है कि उसकी लोकेशन जब तक ट्रेस नहीं होगी तब तक आगे की कार्रवाई नहीं होगी। सबसे पहले उसकी लोकेशन पता किया जाएगा कि आखिर जो बोरवेल है उसकी कितनी गहराई पर वो बच्ची फंसी हुई और किस स्थिति में फंसी हुई है। कई बार ये देखने में आता है कि सीधे तौर पर जब बच्चा सीधा गिरता है तो जल्दी आसानी से निकालने में मदद जो मिल जाती है, 5 साल की बच्ची है, सुन सकती है, समझ सकती है, तो ऐसे में पहला प्रयास ये होगा कि रस्सी के माध्यम से बच्ची को वापस निकाला जाए, लेकिन सबसे पहले ये देखना होगा कि आखिर उसकी गहराई कितनी है। तो पहले कितने बजे की घटना है शैलेंद्र, इस बारे में कोई जानकारी और कब तक रेस्क्यू टीम पहुंच जाएगी इसको लेकर कोई इनपुट मिल पा रहा हो? देखिए जो स्थानीय जो अधिकारी है उनसे जो बात हुई है उनके अनुसार यही है कि राजगढ़ से टीमें रवाना कर दी गई है। ग्रामीण क्षेत्र है जो जो पिपलिया रसोड़ा उस गांव तक पहुंचने में बताया जा रहा है कि अब से कुछ देर बाद ही ये टीमें पहुंच जाएंगी और जल्द ही रेस्क्यू का काम भी शुरू कर दिया जाएगा। जी।